हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स के बारे में कि प्रेसिपिटेशन जो होता है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं और वो अर्थ सरफेस पे किन किन वेज में आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है इसका एक पार्ट मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, हाइड्रोलॉजी, तो वो आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लेकिन हम एक बार वापस उस टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, प्रेसिपिटेशन को समझने से पहले वाटर साइकिल को समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए, हमारी जो अर्थ सरफेस है उस पर बहुत सारा वाटर है, एम्पल अमाउंट में वाटर है, और वो जो वाटर है वो इधर ओशियंस में, लेक में, रिवर्स में या फिर पॉन्ड्स में कलेक्टेड है, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है, सनरेज पड़ती हैं, तो वो जो सनरेज की वजह से जो वाटर होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। इवेपोरेशन का एक प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन के प्रोसेस होने के बाद जितना भी वाटर एटमॉस्फेयर में गया है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, वो गैस में वहाँ पे चेंज हो जाता है, यानी कि गैसेस के फॉर्म में आ जाता है। अब वो जो गैसेस के फॉर्म में आने के बाद क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। अब उस कंडेंसेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जितना भी वेपर है वो उससे आगे प्रोसेस नहीं कर पाता है और वो इवेंचुअली कंडेंसेशन के क्लाउड्स बनाता है। अब ये जो क्लाउड्स होते हैं, ये इनके अंदर कुछ अमाउंट में मॉइस्चर होता है, ठीक है। और ये जो मॉइस्चर होता है वो हमारी अर्थ सरफेस पे वापस आ जाता है। किस फॉर्म में आएगा, जिस फॉर्म में आता है दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब ये प्रेसिपिटेशन अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, लाइक रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट, हेल, ग्लेज, इन सब फॉर्म्स में आता है हमारी अर्थ सरफेस पे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, ये कभी भी ख़त्म ना होने वाली साइकिल है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हमने क्या समझा, हमको समझ में आ गया कि प्रेसिपिटेशन कैसे बना, ठीक है। अब इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, तो हम एक एक करके उन फॉर्म्स को ब्रीफ में पढ़ेंगे। देखिए, प्रेसिपिटेशन का जो मेजर एक फॉर्म है वो है रेनफॉल, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया के सबसे ज़्यादा पार्ट्स में रेनफॉल होता है, और जो स्नोफॉल होता है वो कुछ मैलन रीजन में होता है, जो कि बहुत कम पार्ट्स इसको हम कहेंगे। अब हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये जो रेनफॉल है वो कैसे चेंज हुई, यानी प्रेसिपिटेशन रेनफॉल में कैसे बदला। देखिए, प्रेसिपिटेशन का क्या रीज़न था कि जितना भी मास था वॉर्म का, ठीक है, जितना भी वॉर्म मास था वो उसने क्या किया, जितनी भी मॉइस्ट एयर थी उसने हिट किया कोल्ड एयर को, यानी कि एक वॉर्म एयर का जो मास है, ठीक है, वो हिट कर रहा है कोल्ड एयर के मास को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कंडेंसेशन है ना, कंडेंसेशन के अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज हो रहा है। और ये ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, इतने हैवी हो जाते हैं कि कुछ ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म्स में आ जाते हैं, ठीक है, या फिर क्रिस्टल फॉर्म में आएंगे या फिर स्नो के फॉर्म में आ जाते हैं। अब ये भारी हो गए हैं, अब ये भारी होने की वजह से क्या होगा, ये एटमॉस्फेयर में नहीं टिक पाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, इवेंचुअली अर्थ सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी अर्थ सरफेस पे या तो रेनफॉल के फॉर्म में आएंगे या फिर स्नोफॉल के फॉर्म में आएंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं रेनफॉल के बारे में। देखिए, इंडिया के अंदर रेन जो है वो एक प्रिंसिपल फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का, ठीक है। जब वाटर ड्रॉपलेट्स का साइज 0.5 mm से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिंपल रेनफॉल। और ये जो रेनफॉल होता है बेसिकली थ्री कैटेगरीज में होता है, या तो बिल्कुल लाइट रेनफॉल होगा, या मॉडरेट रेनफॉल होगा, या फिर थोड़ा हैवी रेनफॉल होता है, ठीक है। और ये कैटेगरीज तब डिवाइड की जाती हैं, अगर किसी ड्रॉपलेट का साइज़ 0.5 mm से ज़्यादा है तो ये क्या होती है, ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे क्या पता चलता है, रेनफॉल की इंटेंसिटी का पता चलता है कि रेनफॉल लाइट है, मॉडरेट है, या फिर हैवी रेनफॉल है। लास्ट थिंग अबाउट रेनफॉल इज़ दिस कि अगर मान लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेनी सीज़न वैसे तो बहुत कम रहता है इंडिया के अंदर, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि बारिश जो है वो किसी भी मौसम में कभी कभी हो जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, जब एयर का टेम्परेचर जो होता है ना वो फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि 1 degree to 8 degrees या फिर 10 degree तक होता है, ठीक है, यानी कि 32 Fahrenheit तक होता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, रेनफॉल हो सकती है, ठीक है। तो कुछ एक प्राइम फैक्टर है। अब हम पढ़ते हैं स्नोफॉल के बारे में। देखिए, रेनफॉल की तरह ही स्नोफॉल भी एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का। स्नोफॉल बेसिकली आइस क्रिस्टल्स को कंसिस्ट करता है, ठीक है, और इसको हम फ्लेक्स भी बोलते हैं, आइस के फ्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। स्नोफॉल कब होगा, जैसे मैंने आपको रेनफॉल में बताया कि मान लीजिए एयर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, उस कंडीशन में रेनफॉल होगा। लेकिन अगर एयर का टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है, उस कंडीशन में क्या होगा, वो जितना भी प्रेसिपिटेशन होगा वो कूल्ड एयर में आके, बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में आके क्या हो जाएगा, स्नोफ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि जो स्नोफॉल होता है इंडिया के अंदर बहुत ही कम होता है, यानी कि सिर्फ जो हिमालयन रीजन जो है ना सिर्फ वहीं पर ही होता है, जैसे कि उत्तराखंड हुआ, नैनीताल हुआ, शिमला हुआ, ये सब जो प्लेसेस है केवल यहीं पर ही रेनफॉल होता है। लेकिन अगर हम बात करें अनदर कंट्रीज़ की लाइक कैनेडा, USA, रशिया, चाइना एक्सेट्रा, यहाँ पर एक मेजर सोर्स है प्रेसिपिटेशन का, वो है स्नोफॉल। ठीक है, तो ये था हमारा स्नोफॉल। अब हम बात करेंगे स्लीट के बारे में। देखिए, जो स्लीट्स होती हैं वो एक तरीके से फ्रोजन रेनड्रॉप्स भी बोल सकते हैं हमको, जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं। ठीक है, और ये कुछ कुछ हेल के सिमिलर होती हैं। ठीक है, लेकिन इनमें एक फ़र्क होता है। मान लीजिए, सपोज़ कीजिए आपने कभी कभी देखा होगा कि आप कुछ स्नो जैसी दिखने वाली, जैसे हम हिंदी में ओले बोलते हैं, आप उसको हाथ में लेते हो। ठीक है, वो बहुत सॉफ्ट रूई सा लगता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो आप हाथ में लोगे तो वो लिटरली थोड़ा सा मेल्ट होगा। ठीक है, अब मेल्ट होने के बाद वो तुरंत फ्रीज़ हो जाता है वापस से, यानी कि दोबारा, पहले वो मेल्ट हुआ जो स्नोफ्लेक थी आपने उसको हाथ में लिया, हाथ की गर्मी की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हल्का सा वो मेल्ट हुआ। ठीक है, कॉटन की तरह हो जाता है बिल्कुल एकदम, और उसके बाद वो तुरंत फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन होता है, ये हमारी, इसको हम पहचान सकते हैं इस तरीके से कि ये स्लीट है या फिर हेल है, क्योंकि दोनों बहुत ही सिमिलर दिखते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो एक माइनर सा डिफरेंस है। तो अब हम पढ़ लेते हैं हेल के बारे में। देखिए, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि जो हेल है वो बिल्कुल स्लीट की तरह ही लग रहा है, लेकिन जो हेल होता है वो 100% आइस होती है, लेकिन ये विंटर के सीज़न में नहीं होता है, बल्कि ये किसी भी सीज़न में हो सकता है। अगर थंडर स्टॉर्म है उस कंडीशन में ये हेल हो सकता है, हेल गिर सकता है। ठीक है, इसका जो पार्टिकल साइज़ होता है, जो इसके ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो मोर देन 8 mm के होते हैं। ठीक है, तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं ड्रिजलिंग की। ड्रिजलिंग से तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वेल फेमिलियर होंगे, क्योंकि जो छोटी मोटी झमाझम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बारिश की आपने देखी होगी। ठीक है, कई बार लोग उसमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, वो जो ड्रिजलिंग होती है, ओके, एक्चुअली में ये क्या होता है, ये रेनफॉल ही होता है, लेकिन ये रेनफॉल के अगर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत ही कम साइज़ के हैं, यानी कि 0.5 mm से भी कम साइज़ के हैं, 0.02 की रेंज में हैं, उस कंडीशन में जो रेन की जो ड्रॉपलेट्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रिजलिंग बोलेंगे। ठीक है, और ये वैसे तो देखा जाएगा कि अगर मौसम थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर जो कंडेंसेशन के जो क्लाउड्स होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स नहीं होते हैं, डेंस पार्टिकल नहीं होते हैं, तो वो अच्छी तरीके से रेनफॉल ना होने की जगह क्या हो जाती है, ड्रिजलिंग की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं ग्लेजिंग क्या होती है। ओके, अब बात करते हैं ग्लेजिंग की। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब रेनफॉल होता है, अगर रेन और ड्रिजल जो होती हैं एटमॉस्फेयर से किसी ग्राउंड सरफेस पे आके गिरती हैं जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर उससे कम होता है, तो क्या होता है, ये जो रेनफॉल है कॉन्टैक्ट के सर्फेस में आके क्या हो जाती हैं, ड्रॉप फ्रीज हो जाती हैं। ये जो ड्रॉप्स क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, यानी कि आइस के फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है, अब कैसे समझा आपने इसको, मान लीजिए और रेनफॉल हो रहा है, अभी जो रेनफॉल किसी एक्सपोज सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है और वो जो सरफेस है उसका टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, बिलो 0 डिग्री है। ठीक है, तो वो क्या होगा, जितना भी रेनफॉल होगा वो आइस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग। ओके, तो ये ग्लेजिंग वैसे इंडिया में तो होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन जो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्नोफॉल होता है, आप ये कहिए 24 आवर्स जहाँ पे होता है, जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये था ग्लेजिंग, और ये थे हमारे प्रेसिपिटेशंस के सारे फॉर्म्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एक एक पॉइंट। इसका अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशंस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, उसको भी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ईजिली समझ में आए, उनको कुछ हेल्प हो सके। और अगर आपको मेरे चैनल पर आने वाले सारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।